9th graders and a very warm welcome to your favorite channel Byju's. My name is Kriti and today we'll be talking about atoms and molecules. Atoms and molecules ki baat karenge. Intex questions ek go mein sare ke sare solve karenge. I think intex questions jo hote hai na, they provide you with an opportunity to apply the concept you've already learned. So we've covered the chapter. We know the chapter and now it's time to apply that knowledge. So knowledge apply karenge tabhi hame pata chalega how much we know, how much we remember, how much practically hame aap pe apply kar pa rahe hain. So it's like a form of self assessment and I hope you all are ready for this self assessment. So ek baar jaldi se hum session ko like kar denge, channel ko subscribe kar lenge, pen paper ke sath taiyar ho jayenge and let's sharpen our problem solving skills and critical thinking skills. तो जल्दी से ही आपका एक यू नो दिस इज लाइक योर फर्स्ट टेस्ट. आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आने ही आने चाहिए. दिस इज लाइक अ बेयर मिनिमम टेकन कि इतना तो बच्चे को आना चाहिए, इतना तो स्टूडेंट को समझ आना ही चाहिए. सबसे पहले आप अपनी नॉलेज इन क्वेश्चंस पे अगर अप्लाई कर पाते हैं, देन ऑफकोर्स आगे जाके आप अलग अलग क्वेश्चंस पे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ डील कर पाएंगे. So this is like the first step that we have to take. So I hope you all are ready and we can get started with this. साथ में solve करते हैं. Let's see what the first question is. चलिए तो सबसे पहला question है. In a reaction, हमारे पास क्या है? 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 grams of acetic acid. Okay. The products were 2.2 grams carbon dioxide, 0.9 grams water, 8.2 grams sodium acetate. तो दो reactants थे, उन्होंने आपस में react किया और हमारे पास तीन products बन गए. We have to show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass and they've also given us the equation. Sodium carbonate acetic acid के साथ react कर रहे हैं, sodium acetate, carbon dioxide and water form हो रहे हैं. अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो क्लियरली जो हमारे रिएक्टेंट्स का मास है वही हमारे प्रोडक्ट्स का मास होना चाहिए, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज व्हाट द लॉ स्टेट्स, राइट. अब रिएक्टेंट्स क्या है हमारे? सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड. अगर मैं इनके मासेस का सम कर दूं, दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमारे प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्टेंट्स का टोटल मास शुड बी आइडियली इक्वल टू प्रोडक्ट्स का टोटल मास. अगर ये होता है देन वी कैन से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है फॉलो हो रहा है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो चलिए इसको देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा. हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था और तीन प्रोडक्ट्स बन रहे थे. सोडियम एसिटेट बन रहा है, देन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लेट्स राइट डाउन द रिस्पेक्टिव मासेस. तो हमें 5.3 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट का गिवन है, 6 ग्राम्स एसिटिक एसिड है, देन वी हैव 8.2 ग्राम्स सोडियम एसिटेट, 2.2 grams carbon dioxide and 0.9 grams of water. अगर मैं reactants का total करूं तो मेरा आता है 11.3 grams. अगर मैं product side का total करूं तब भी क्या आ रहा है? 11.3 grams. So what I can easily see over here is law of conservation of mass is holding true. It's holding good because total mass जो मेरा रिएक्टेंट साइड पर है वही टोटल मास मेरा प्रोडक्ट साइड पर आ रहा है, दैट इज 11.3 ग्राम्स. सो इन द एग्जाम दिस इज हाउ यू हैव टू शो द आंसर्स. यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप सो दैट इफ इट्स यू नो लेट्स से इफ इट्स अ वन मार्कर देन यू कैन स्टिल डायरेक्टली शो द कैलकुलेशन. अदरवाइज मेंशन एवरीथिंग, मेंशन द इक्वेशन, मेंशन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas? अच्छा, 1:8 हमारे पास यहाँ पर है. तो 1 ग्राम अगर आप देखो यहाँ पे, 1 ग्राम अगर मैं लूँ हाइड्रोजन का, सो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1:8 के हिसाब से
It requires how much? 8 grams of oxygen. इसे चाहिए 8 grams of oxygen. 1 gram of hydrogen को 8 grams oxygen का चाहिए. हमारे पास hydrogen का कितना मास है? 3 grams. Unitary method apply करना है. ठीक है? So 3 grams of hydrogen कितना require करेंगे? They will require 8 into 3 grams of oxygen. तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है. ये आपका आ गया 24 grams. So this is equal to 24 grams of oxygen that you will require. And that is what the question was. What mass of oxygen would be required? So you require 24 grams. Okay. Now, let's move on to the next question. This is a very simple question that we have. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? तो actually में जो second postulate था Dalton का वो क्या था? Atoms are indivisible particles and can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो ये जो है ये in a way क्या है? Law of conservation of mass ही तो हमें बता रहा है. तो बस आपको अपना second postulate यहाँ पे Dalton का second postulate यहाँ पे mention कर देना है. Now the next question is also very similar to this one. Next question says, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? कौन सा ऐसा postulate था Dalton's atomic theory का जो अब दूसरा जो law है हमारे पास, constant proportions भी कह सकते हैं, definite proportions भी कह सकते हैं, उसे explain कर सकता है. So it's the sixth postulate that says that the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. मतलब एक कंपाउंड की अगर हम कोई भी कंपाउंड ले लो उसमें क्या नंबर है एटम्स का, क्या काइंड है, एक काइंड के कितने एटम्स प्रेजेंट है, किस वे में प्रेजेंट है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा. इफ यू विल चेंज द रेशियो द कंपाउंड विल चेंज. ओके, सो दैट रेशियो नीड्स टू बी कांस्टेंट. सो देयर यू गो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. नाउ इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, द रेशियो और द काइंड of atoms and of course their relative number will still be the same. Okay, abhi tak to sare questions bahut simple aa rahe hain, I'm sure. Let's move on to the next one. Next question says, define the atomic mass unit. Atomic mass unit, AMU, kya hota hai? वैसे तो अब recent times में हम इसे U से denote कर रहे, that is unified mass. This is unified mass. तो एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. तो कार्बन 12 एटम, ऑफ कोर्स एक एटम की बात हो रही है, उसके मास के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं. ओके, सो ऑफ कोर्स उसी को स्टैंडर्ड बना के हमने अपने आगे की सारी कैलकुलेशंस करी है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर प्रीटी सिंपल. नाउ व्हाई वी आर you know, back, solving it back to back so that, you know, you also understand that these are simple questions which can be done really quick. नहीं समझ आएगा तो वीडियो को वापस से पॉज करके पीछे करके दोबारा देखना जब तक समझ ना आए. ओके, बट आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं, टिल नाउ एवरीथिंग इज वेरी सॉर्टेड, वेरी सिंपल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज? आप यू नो यू लुक अराउंड थिंग्स, अब ये पेन है या यू नो फोन इज देयर और आई सी कीबोर्ड और आई सी एनीथिंग, आई डोंट सी द इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन दोज थिंग्स. व्हाई, वो क्यों नहीं दिख रहे हमें? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एवरीबॉडी नोज अबाउट अ क्रिकेट बैट, है ना? क्या क्रिकेट बैट का हमारे पास लेंथ कितना? ऑलमोस्ट अ मीटर. ठीक है, रफली एक मीटर है. नाउ लेट्स इमेजिन अ क्रिकेट बैट विच इज 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. मतलब इसे हम 1/10 कर देते हैं. नाउ यू कैन स्टिल सी इट बट आप उससे खेल नहीं पाओगे. ओके, इट्स लाइक अ टॉय क्रिकेट बैट. नाउ नाउ अगर हम फिर से इसका 1/10 कर दें एंड करते रहे, आई मीन वी यू नो वी कीप ऑन डूइंग इट, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, वी विल अराइव एट अ पॉइंट जहां पे जो साइज ऑफ द बैट हो जाएगा वो हो जाएगा 10^-9 मीटर्स. नहीं देख पाओगे आप उसके एटम्स को, तब नहीं देख पाओगे. नाउ दैट इज हाउ स्मॉल एन एटम इज. मतलब एक बैट से आपने स्टार्ट किया, आपने उसको 10 से डिवाइड करते गए
नाउ यू डूइंग इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल 9 times आप ये कर रहे हो, आप ये देखोगे कि इवेंचुअली पॉइंट विल कम व्हेन यू कांट स्पॉट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज सो माइन्यूट, इट इज सो टाइनी, एंड दैट इज हाउ टाइनी एन एटम इज. सो साइज ऑफ एन एटम हम इसको नैनोमीटर्स में बताते हैं. इट इज 10^-9 meters, मतलब एक नैनोमीटर इज 10^-9 meters. तो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है. दिस इज जस्ट फॉर योर विजुअलाइजेशन. एग्जाम में इफ दिस क्वेश्चन कम्स, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ओवर हियर यू कैन मेंशन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज. कितना हम बोल रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नैनोमीटर्स की, मतलब 10^-9 meter. दैट्स द रेंज दैट वी टॉकिंग अबाउट. सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स इट्स मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एंड प्लीज मेंशन दैट 1 nanometer इज 10^-9 meters. इट्स वेरी स्मॉल. मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. दिस इज डेफिनेटली अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. डेफिनेटली प्लीज एक्सपेक्ट देम कि आपके एग्जाम में वो आएंगे ही आएंगे. केमिकल फॉर्मूले आपको लिखने हैं. सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, वी हैव सोडियम सल्फाइड, वी हैव गॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एक बार इन सारे आयंस का आपको सिंबल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज बता देते हैं. सोडियम Na+, एल्यूमिनियम Al3+, मैग्नीशियम Mg2+, ऑक्साइड O2-, क्लोराइड Cl-, सल्फाइड S2-, हाइड्रोक्साइड OH-. अब हमें कुछ नहीं करना, हमें वैसे सिंबल्स पता होने चाहिए, चार्जेस पता होना चाहिए, क्रिस क्रॉस करेंगे एंड वील अराइव एट द करेक्ट फॉर्मूला. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सोडियम ऑक्साइड, सबसे पहले सोडियम का सिंबल. सोडियम क्या होता है? Na. ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, O. सोडियम पे क्या चार्ज है? 1+. ऑक्साइड पे क्या है? 2-. लेट्स डू क्रिस क्रॉस, डोंट फॉरगेट द क्रिस क्रॉस पार्ट ऑफ इट. ओके, दैट मीन्स दिस बिकम्स Na2O1. One goes without saying, so I'm not writing it. Na2O. So that is sodium oxide. Next, we have aluminium chloride. So we are going to follow the same procedure here. Okay, same procedure for each and every part. Aluminium chloride. Okay, aluminium will have a charge of 3+. Chloride will have a charge of 1-. Crisscross kar denge, so it becomes Al1. Cl3. I'm not writing one because that goes without saying. So this becomes AlCl3. Next, we have sodium sulfide. This is sodium. We all know sulfide ke liye sulfur. S likha. 1+, 2-, doing crisscross. This becomes Na2S. Okay. Magnesium hydroxide. Let's write the corresponding symbols and formulae. मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया? Mg. हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूले OH. मैग्नीशियम चार्ज 2+, हाइड्रोक्साइड 1-. लेट्स डू क्रिस क्रॉस, इट बिकम्स Mg1OH होल ट्वाइस. नाउ बी केयरफुल कि आप इसे MgOH2 ना लिखें, क्योंकि पूरे हाइड्रोक्साइड पे 2 का चार्ज है ना. इट्स नॉट जस्ट H हैविंग दैट 2, इट्स OH हैविंग दैट 2. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पुट दैट ब्रैकेट. दैट ब्रैकेट इज सुपर इम्पॉर्टेंट. खाली मैथ्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी दीज ब्रैकेट्स कैन लिटरली चेंज एवरीथिंग. ओके, नाउ सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड यू कैन गेट एनी सच यू नो कंपाउंड टू बी मेंशनड देयर. दिल मेंशन द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड दिल आस्क यू द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सेम. सो यू नीड टू नो द आयंस, यू नीड टू नो द चार्जेस. आज मैंने आपको चार्जेस और आयंस दिए थे यहाँ पे क्वेश्चन में, एग्जाम में वो नहीं गिवन होंगे. Since this is just a practice session, I'm giving you that. But practice so much that you don't require that anymore. Okay. Now, write down the names of compounds represented by the following formula. This is very simple. Now, if this question comes, I think you can take a sigh of relief ki to simple wala question aa gaya hai. Kyunki dekhte hi samajh aata hai ki kya hai. So, they've given the formula now and you have to tell the name. So, as you can see, first one is aluminium सल्फेट. SO4 दिख रहा है ना, सल्फेट. नेक्स्ट हमें दिख रहा है कैल्शियम दिख रहा है, और साथ में क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. देन नेक्स्ट वी हैव इज पोटेशियम. आई कैन सी पोटेशियम, आई कैन सी K, एंड सल्फेट अगेन, SO4 अगेन. ओके, देन अगेन K है मतलब पोटेशियम है, NO3 मतलब नाइट्रेट.
So we have potassium nitrate. Last one, you can see calcium is there. And you can see carbonate, CO3. CO3 2 minus is the actual group, so carbonate. Bas, there you go. With this, we are done with this question. Okay, moving on to the next one. Next one says, what is meant by the term chemical formulae? अब हमने इतने क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर लिए, सो आई एम श्योर यू ऑल नो इट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. ठीक है, सिंबॉलिक, सिंबल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड को में मुझे पता है कैल्शियम के आयन्स हैं, कैल्शियम के आयन्स हो गए और ऑक्साइड के आयन्स हो गए O2 माइनस. This is O2 minus. Okay, so calcium ions जो cation है plus charge है, oxide ions O2 minus जो anion है. अब अगर मुझे इसका chemical formula लिखना है, so this is going to be CaO. ये क्या हो गया इसका chemical formula. So I think in chemistry, looking at the chemical formula is much easier, no? Rather than reading the entire name. So ये बहुत useful है कि हमने सारे के सारे names को, सारे एलिमेंट्स को एक बेसिकली सारे एलिमेंट्स को हमने एक सिंबल दे दिया एंड फ्रॉम देयर वी हैव ऑल दीस यू नो केमिकल फॉर्मूले कमिंग अप. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे दिस, इफ दिस क्वेश्चन कम्स आई एम श्योर यू ऑल विल गेट फुल मार्क्स. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन अ, ओके वी हैव टू पार्ट्स ओवर हियर. सो बेसिकली हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम एटॉमिसिटी की बात कर रहे हैं. H2S एटॉमिसिटीज कितने एटम्स हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज में, केमिकल स्पीशीज में. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आप इसको ध्यान से देखें इसमें 3 एटम्स हैं. आपको 2 हाइड्रोजन के दिख रहे हैं और एक आपको सल्फर का दिख रहा है. नेक्स्ट पार्ट फॉस्फेट आयन, अब 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, टोटल कितने हुए 5 एटम्स हो गए. So you have to mention 5 atoms. 1 atom phosphorus का है, 4 किसके हैं आपके oxygen के. ऊपर के charge से confuse नहीं करना इसे, okay? 3 minus is the charge. उससे confuse नहीं करना. Count the number of atoms for atomicity. All right, let's move on to the next question. Calculate the molecular masses of, okay, we have a long list of substances here and we have to find the molecular masses. So let's quickly recall all the masses first. Okay, hydrogen का होता है 1U, carbon 12U, nitrogen 14U, oxygen 16U and chlorine 35.5U. So now be ready with a pen and paper. Calculation का time आ चुका है. Hydrogen से start करते हैं. Every time I'm going to write, I'll write the number of atoms first into the mass of each atom. So let's say for hydrogen, how many atoms are there? 2. हर का मास क्या है 1, तो टोटल 2U. सो वील राइट द नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट. अगेन फॉर ऑक्सीजन यू कैन सी 2 × 16, सो दिस इज 32U. क्लोरीन 2 × 35.5, सो दिस इज गोइंग टू बी 71U. यू कैन कीप लुकिंग एट दिस टेबल फॉर द मासेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन का एक एटम है, सो 1 × 12 प्लस 2 × 16, 1 × 12 प्लस 2 × 16, टोटल कितना आ जाएगा आपका 44U. नेक्स्ट इज मीथेन, अगेन 1 × 12 क्योंकि कार्बन का 12 है, प्लस 4 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, सबका मास क्या होता है 1, तो दिस इज 16U. चलिए नेक्स्ट इथेन आपको गिवन है, नाउ दिस इज 2 × 12 प्लस 6 × 1, कितना हो गया आपका ये, ये हो गया 24 + 6, दैट इज 30U. C2H4 इथीन की अगर हम बात करें, 2 × 12 प्लस 4 × 1, सो अगेन आपका 24 + 4, दैट इज 28U. दिस इज 2, वेट, ओके. फिर आपका आता है अमोनिया, 1 × 14 प्लस 3 × 1, सो 14 प्लस 3 कितना हुआ 17U. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है 17U. देन यू हैव गॉट मीथेनॉल. ठीक है, अब यहां पे
कार्बन कितना है? एक है, हाइड्रोजन टोटल फोर है, तो 3+1 H3OH, तो टोटल फोर हो गए, तो 4 × 1 कर दिया मैंने, प्लस एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो 1 × 16, व्हेन वी ऐड वी विल गेट 32U. सो देयर यू गो, यू हैव रिटन ऑल द मासेस टुगेदर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है हमें इस क्वेश्चन में. फॉर्मूला यूनिट मास मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ही, बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए. जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड वी हैव गॉट पोटेशियम कार्बोनेट. ठीक है, सबके मासेस आपको रिस्पेक्टिवली गिवन है, ऑल द मासेस आर बीइंग गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू प्लेस देम. अब जिंक कितना है? 1 है. जिंक का मास कितना है? 65 गिवन है, प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, मास 16 है, दिस कम्स आउट टू बी 81U. सिमिलरली सोडियम ऑक्साइड, अब सोडियम 2 है, इंटू मास फॉर ईच इज 23, ऑक्सीजन इज 1 × 16, कैलकुलेट दिस, दिस विल कम आउट टू बी 62U. लास्ट वन वी हैव गॉट पोटेशियम 2. We've got 2 potassium atoms, so 2 × 2, and for 1 the mass is 39. Okay, plus 1 × 12 for carbon, plus 3 × 16 for oxygen. So this comes out to be 138U. I hope you can see it, right? 138U. And with this calculation, we've come to the end of this session. So ye session khatam ho chuka hai. फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बिल्कुल भी गलती से भी मिस नहीं करेंगे, ताकि कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो. सो इंटेक्स क्वेश्चंस हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए. इन केस यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वी विल टेक अप दैट डाउट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो कॉमेंट सेक्शन में अगर सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाए, देन ऑल्सो लेट मी नो दैट येस मैम वी कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. We found all the questions easy, but अगर इनमें से जो questions हमने आज discuss कर रहे हैं, if there is any question number that you've not understood, please mention that question number and we'll again take this up in the next class. So thank you so much for joining in. Take care. Bye bye.